चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जी हां, खेसारी लाल यादव और डायरेक्टर रजनीश मिश्रा की जोड़ी एक बार फिर से भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। आपको बता दें कि इन दोनों की जोड़ी की फिल्म मैं सेहरा बांध के आऊंगा और मेहंदी लगा के रखना ने जिस तरीके से भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई किया था और भोजपुरी दर्शकों को इन दोनों की फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई थी, इसी कड़ी में इन दोनों की जोड़ी एक बार फिर से भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर नई फिल्म लेके आने वाले हैं, जिसका खुलासा खुद डायरेक्टर रजनीश मिश्रा ने किया है। आपको बता दें कि रजनीश मिश्रा ने बताया कि उनकी नई फिल्म में खेसारी लाल यादव होंगे, जिसका नाम है डोली सजा के रखना। जी हां, आपको बता दें कि डोली सजा के रखना में एक बार फिर से सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का जोरदार अभिनय भोजपुरी दर्शकों को देखने को मिलेगा। जैसा कि टाइटल से मालूम होता है कि एक बार फिर से खेसारी लाल यादव फुल ऑन पारिवारिक फिल्म अपने भोजपुरी दर्शकों को लेके आने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले रजनीश मिश्रा ने खेसारी लाल यादव के साथ दो फिल्में काम किए और दोनों ही फिल्में पूरी तरह से पारिवारिक थी, जिसे भोजपुरी दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया है। आपको बता दें कि डोली सजा के रखना में कौन सी अभिनेत्री काम करेगी, इसका खुलासा रजनीश मिश्रा ने नहीं किया, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने यह बता दिया है कि इसकी फिल्म की शूटिंग बहुत जल्द ही शुरू किया जाएगा। फिलहाल फिल्म का स्क्रिप्ट पे काम बड़े ही जोर शोर से चल रहा है और कुछ दिन में स्क्रिप्ट फाइनल कर लिया जाएगा, जिसके बाद फिल्म की एक्ट्रेस का जानकारी दिया जाएगा। अब देखना यह है कि डोली सजा के रखना में खेसारी लाल यादव के अपोजिट कौन सी एक्ट्रेस काम करेगी, यह तो आने वाले कुछ दिन में कंफर्म होगा, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट से ही एक बार फिर से खेसारी लाल यादव के चर्चा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े ही जोर शोर से होने लगा है।